नमस्कार, गुड मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी आज की ताजा खबरें। नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती में अनियमितता को लेकर मांगा जवाब, हाई कोर्ट जयपुर खंडपीठ ने दिए सख्त आदेश। स्वास्थ्य विभाग में नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 की अनियमितताओं का है मामला, स्वास्थ्य सचिव सहित निदेशक को जारी किए नोटिस। सरकारी कॉलेजों के प्रति छात्रों का रुझान हुआ कम, इस साल 1,48,000 आवेदकों ने कराई फीस जमा। एक जुलाई से प्रदेश भर के सभी शैक्षणिक कॉलेजों में होगी शिक्षा की शुरुआत, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दिए निर्देश। सीबीएसई की पूरक परीक्षाएं 2 जुलाई से, करीब 20,000 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की पूर्व परीक्षा होगी एक दिन में संपन्न, जबकि 10 जुलाई तक चलेगी 10वीं की परीक्षाएं। अजमेर जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 14 भामाशाह व 5 प्रेरकों का किया सम्मान, दिए प्रशस्ति पत्र। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए निकाली लॉटरी, कम सीटों के लिए हुए अधिक आवेदन। प्रत्येक विद्यालय में 6 वरिष्ठ अध्यापक, 2 लेवल 2 अध्यापक सहित जल्द जारी होगी स्टाफ की सूची। स्कूल व्याख्याता सहित 4 परीक्षाएं स्थगित, एमबीसी व ईडब्ल्यूसी आरक्षण को लेकर आरपीएससी ने लिया निर्णय। नई संभावित तिथि के लिए बोर्ड अलग से करेगा प्रेस नोट जारी, परीक्षार्थियों को इंतजार। दो जुलाई को होने वाली बाल सभा को स्थगित करने की मांग, प्रदेश शिक्षक संघ सियाराम ने रखी मांग। माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रमोन्नत हुए वरिष्ठ अध्यापकों को पद स्थापन की तैयारी, अजमेर में काउंसलिंग का दौर प्रारंभ। शिक्षक बताएंगे विद्यार्थी करे किस विषय का चयन, कैरियर गाइडेंस पोर्टल से मिलेगी जानकारी, पोर्टल पर 237 से अधिक कोर्स का विकल्प। यूजी के बाद पीजी के दाखिले की दौड़, सीटें कम होने से रहेगी डगर कठिन, 3 जुलाई से भरे जाने हैं आवेदन। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कार्मिकों का संघर्ष लाया रंग, 7वां वेतनमान लागू, आज पहुंचेंगे उदयपुर, आते ही हो जाएंगे आदेश जारी। कला व वाणिज्य वर्ग में आरक्षित सीटें रही खाली, कॉलेजों में रिक्त सीटों पर 4 तक मांगे फिर से आवेदन। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स की परीक्षाएं 3 जुलाई से, अनिवार्य उपस्थिति बाध्यता के चलते करीब 2 दर्जन से अधिक विद्यार्थियों पर लटकी तलवार। नए शिक्षा सत्र में 247 दिन लगेंगे स्कूल, टीचर्स को कम मिलेंगी गर्मियों की छुट्टियां, शिक्षा सत्र 2019-20 का शिवरा पंचांग घोषित। न
नए शिवरा पंचांग में 7 दिन के ग्रीम अवकाश में की गई कमी। नए शिक्षा सत्र में 17 मई से 23 जून तक होगा शिक्षकों का अवकाश। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की एमएड एमबीएड एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 के प्रवेश हेतु 29 जून से, जबकि बीपीएड एमपीएड के लिए 1 जुलाई से काउंसलिंग प्रारंभ। JNVU ने सामूहिक नकल अनियमितताओं की शिकायतों पर 12 कॉलेजों में प्रवेश रोका। गत शिक्षा सत्र में सामने आए थे सामूहिक नकल के अधिक मामले। जोधपुर को छोड़ प्रदेश में सब जगह शिक्षकों के हो रहे हैं प्रमोशन। विज्ञान, गणित, संस्कृत व अंग्रेजी की डीपीसी के लिए आरपीएससी से नहीं मिली हरी झंडी। बांसवाड़ा के गढ़ी ब्लॉक का मामला, शिक्षक के डर से सीबीओ ने मांगी स्कूल में सुरक्षा। 6D में बदली स्कूल, धमका कर शिक्षक कर रहा है साइन। छात्रवृत्ति पोर्टल में नए सिस्टम ने बढ़ाया सिरदर्द। काम में ढिलाई तो ऑटोमेटिक स्वीकृत हो जाएगी छात्रवृत्तियां। ऑटो अप्रूवल की तय सीमा 21 दिन, ध्यान नहीं दिया तो 21 दिन बाद हो जाएंगी ऑटो स्वीकृत। अब आपत्ति का अधिकार भी खत्म। अब जुलाई माह का वेतन तभी जब प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षक अपने मूल पद के अनुरूप करेंगे काम, नागौर कलेक्टर के निर्देश। अंग्रेजी, गणित, हिंदी एवं सामान्य शिक्षा के वरिष्ठ शिक्षकों की काउंसलिंग। पदोन्नत 121 वरिष्ठ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में किया पदस्थापित। संस्था प्रधानों का आक्रोश, बोले 67 स्कूलों में बिजली तक नहीं, दूध भी जेब से पिला रहे हैं। SDM ने डिस्को अधिकारियों को दिए कनेक्शन के निर्देश। ACBO की सफाई, बजट होगा जल्द जारी। गुड मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।